सिटी न्यूज 100। आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद जी के नामांकन में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साथ में आए हैं। अब मनीष सिसोदिया जी से पूछते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी को कितना देखते हैं। सर अभी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में आप बीजेपी फैदाबाद में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कितना टक्कर देखें सर? पूरी तरह से है, इनका कुछ अस्तित्व नहीं बचा। इस बार आम आदमी पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत हो गया है। आपने एक अच्छी बहुत अच्छी वो रैली निकाली है, अस्पताल और दिल्ली के जो स्कूल की रैली है वो काफ़ी विदेशों में भी काफ़ी फेमस हुई है, तो सर क्या देखते हैं कि सर फरीदाबाद में भी उसका कहां तक इसका रूपरेखा रहेगी? फरीदाबाद में चंद लोगों को लगता है कि फरीदाबाद की राजनीति उनकी बपौती बन गई है और वो चाहे गुंडई करें या कुछ भी करें, अब फरीदाबाद की राजनीति उससे निकल के आएगी इस बार। अभी सर कम वक्त बचा है सर, एक बस लास्ट बात सर, सर कम वक्त बचा है, इस कम वक्त में कैसे ये तैयारी करेंगे सर? जितना होता है कोड ऑफ कंडक्ट में सबके लिए उतना ही वक्त है। तो ये थे मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने कहा है कि फरीदाबाद में कुछ लोगों की ऐसी है कि कुछ लोगों की जो राजनीति है वो बपौती बन चुकी है, जिसे हटाना आम आदमी पार्टी का कर्तव्य बनेगा। मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज 100 के लिए।